सो हाय गाइस, दिस का वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट बजट कैबिनेट्स के बारे में अंडर 5000 रुपीस, जिनके अंदर आपको काफ़ी अच्छा एयर फ्लो देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कैबिनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं अपने 5th नंबर के कैबिनेट से, जो है एनटी स्पोर्ट्स की ओर से उनका लेटेस्ट IS211TG। अब ये एक मिड टावर कैबिनेट है जिसका फ्रंट डिजाइन आपको काफी एग्रेसिव देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में आपको थोड़ा सा मैच डिजाइन देखने को मिलता है। दो इसमें आपको ARGB स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है एनटी स्पोर्ट के लोगों के साथ, और इस कैबिनेट के फ्रंट में मैच डिजाइन होने की वजह से इस कैबिनेट का एयरफ्लो आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। और साथ ही में इस वाले कैबिनेट के साइड में आपको टेम्पर्ड ग्लास पैनल देखने को मिल जाता है। इस कैबिनेट में आपको PSU श्राउड देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट में दिए गए फैन सपोर्ट की बात करूं, तो इस कैबिनेट के फ्रंट में आप अपटू 140mm के दो फैंस लगा सकते हैं या फिर 120mm के तीन फैन लगा सकते हैं। और अगर मैं इस कैबिनेट के टॉप साइड की बात करूं, तो टॉप साइड में आप मैक्सिमम 120mm के दो फैन लगा सकते हैं। और अगर मैं इसके बॉटम साइड की बात करूं, तो बॉटम साइड में भी आप मैक्सिमम 120mm के दो फैंस लगा सकते हैं। और अगर मैं इस कैबिनेट के रेयर साइड की बात करूं, तो रेयर में आप खाली 120mm का एक फैन लगा सकते हैं। और साथ ही में इस कैबिनेट के साथ आपको 120mm के दो ARGB फैंस आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं, एक फ्रंट में और एक रेयर में। और अगर मैं इस कैबिनेट में दिए गए रेडिएटर सपोर्ट की बात करूं, तो फ्रंट में आप मैक्सिमम 280mm का रेडिएटर लगा सकते हैं। और अगर मैं टॉप की बात करूं, तो टॉप में आप मैक्सिमम 240mm का रेडिएटर लगा सकते हैं। और अगर मैं रेयर की बात करूं, तो रेयर में आप मैक्सिमम 120mm का रेडिएटर लगा सकते हैं। और अगर मैं इस कैबिनेट में दिए गए ड्राइव बेस की बात करूं, तो इस कैबिनेट में आपको दो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ ही में इस कैबिनेट में आपको 3 2.5 इंच की SSD माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं इसके फ्रंट आईओ की बात करूं, तो फ्रंट में आपको एक पावर बटन देखने को मिल जाता है, LED कंट्रोल बटन देखने को मिल जाता है, एक USB 3.0 का पोर्ट देखने को मिल जाता है, दो USB 2.0 के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही में इसमें आपको 3.5mm के दो पोर्ट देखने को मिल जाते हैं आपकी ऑडियो आउट और माइक इन के लिए। और अगर मैं इस कैबिनेट के CPU कूलर सपोर्ट की बात करूं, कि ये कैबिनेट मैक्सिमम कितने हाइट का CPU कूलर सपोर्ट करता है, तो ये कैबिनेट आपका मैक्सिमम 154mm के CPU एयर कूलर को सपोर्ट करता है। और अगर मैं इस कैबिनेट के GPU सपोर्ट की बात करूं, तो ये वाला कैबिनेट आपका मैक्सिमम 315mm लेंथ के GPU को सपोर्ट करता है। और अगर मैं इस कैबिनेट के प्राइस की बात करूं, तो ये वाला कैबिनेट आपको आराम से 2900 रुपीस के आसपास देखने को मिल जाएगा। और इस प्राइस के हिसाब से ये वाला कैबिनेट आपको काफी भयंकर कैबिनेट देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गया हमारा 5th नंबर का कैबिनेट। अब बात करते हैं अपने 4th नंबर के कैबिनेट के बारे में। अब जो 4th नंबर पे कैबिनेट है, वो है एनटेक का NX310। ये भी आपका एक मिड टावर कैबिनेट है। और अगर आप इस कैबिनेट के फ्रंट डिजाइन को देखें, तो एंटी स्पोर्ट का IS211TG आपको इस वाले कैबिनेट से काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलता है। अब मुझे नहीं पता कि एंटी स्पोर्ट का IS200TG इसकी कॉपी है या फिर इससे इंस्पायर्ड है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों कैबिनेट आपको काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलते हैं। अब एनटेक का NX310 4th नंबर पे इसलिए है क्योंकि इस कैबिनेट की बिल्ड क्वालिटी या फिर इस कैबिनेट में यूज हुए कंपोनेंट्स की बिल्ड क्वालिटी आपको एंटी स्पोर्ट के IS211TG से काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। ये दोनों कैबिनेट आपके सिमिलर तो हैं खाली लुक वाइज, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है दोनों कैबिनेट में, इसलिए एनटेक का NX310 आपका 4th नंबर पे है। अब इसके फ्रंट साइड में भी आपको थोड़ा सा मैच डिजाइन देखने को मिलता है। दो ARGB स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती हैं एनटेक के लोगों के साथ। और इस वाले कैबिनेट में भी आपको एक टेम्पर्ड ग्लास पैनल देखने को मिल जाता है, PSU श्राउड देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट में दिए गए फैन सपोर्ट की बात करूं, तो इस कैबिनेट के फ्रंट साइड में आपको 140mm के दो फैंस या फिर 120mm के थ्री फैंस लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट के टॉप की बात करूं, तो टॉप में यहाँ पर आपको 140mm के दो फैंस या फिर 120mm के दो फैंस लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट के बॉटम साइड की बात करूं, तो बॉटम में यहाँ पर आपको 120mm के दो फैंस लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसके रेयर साइड की बात करूं, तो इसके रेयर में आपको खाली 120mm का एक फैन लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इस कैबिनेट में आपको दो 120mm के फैंस प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक ARGB 120mm का फैन आपको फ्रंट में देखने को मिलता है और एक रेगुलर 120mm का फैन आपको रेयर में देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट के रेडिएटर सपोर्ट की बात करूं, तो इस कैबिनेट के फ्रंट में आपको मैक्सिमम 280mm का रेडिएटर माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इस कैबिनेट के रेयर में आपको एक 120mm का रेडिएटर माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट में दिए गए ड्राइव बेस की बात करूं, तो इस कैबिनेट में आपको दो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ ही में इस कैबिनेट में आपको 6 2.5 इंच की SATA SSD माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस कैबिनेट में दिए गए फ्रंट आईओ के बारे में। तो इसके फ्रंट में आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है, रीसेट बटन देखने को मिल जाता है, LED कंट्रोलर बटन देखने को मिल जाता है, दो USB 2.0 के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, एक USB 3.0 का पोर्ट देखने को मिल जाता है। और साथ ही में इसके फ्रंट आईओ में आपको दो 3.5mm के जैक देखने को मिल जाते हैं आपके हेडफोन और माइक के लिए। और अगर मैं इस कैबिनेट में दिए गए CPU एयर कूलर सपोर्ट की बात करूं, तो ये वाला कैबिनेट आपका मैक्सिमम 165mm का CPU एयर कूलर सपोर्ट करता है। और अगर मैं इसके GPU सपोर्ट की बात करूं, तो ये वाला कैबिनेट मैक्सिमम 320mm का GPU सपोर्ट करता है। और अगर मैं एनटेक NX310 की प्राइस की बात करूं, तो ये वाला कैबिनेट आपको आराम से 3700 रुपीस के आसपास देखने को मिल जाएगा। और इस प्राइस के हिसाब से इस कैबिनेट में आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 4th नंबर का कैबिनेट। अब बात करते हैं अपने 3rd नंबर के कैबिनेट के बारे में। अब जो 3rd नंबर पे कैबिनेट है, उसको ज़्यादातर लोग जानते ही हैं,
वो है फिर से एंटी स्पोर्ट का IS511MT। अब ये भी आपका मिड टावर कैबिनेट है। और अगर हम इस कैबिनेट के फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको लगभग पूरा मैच डिजाइन देखने को मिल जाता है एंटी स्पोर्ट के लोगों के साथ। इस वाले कैबिनेट में भी आपको टेम्पर्ड ग्लास पैनल देखने को मिल जाता है, PSU श्राउड देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट में दिए गए फैन सपोर्ट की बात करूं तो इस कैबिनेट के फ्रंट में आपको मैक्सिमम 120mm के 3 फैन माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप में यहाँ पर आपको 120mm के 2 फैंस या फिर 140mm के 2 फैंस माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर हम रेयर की बात करें तो रेयर में आपको सिर्फ 120mm का एक फैन माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ ही में एंटी स्पोर्ट के IS511MT में आपको 4 प्री इंस्टॉल 120mm के RGB फैंस देखने को मिल जाते हैं। अब ये फैन आपके RGB फैन है, ARGB फैंस नहीं है। इनको आप अपने मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जिनमें से आपको 3 फैन फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं और एक फैन आपको रेयर में देखने को मिल जाता है। अब अगर हम इस कैबिनेट में दिए गए रेडिएटर सपोर्ट की बात करें तो इस कैबिनेट में आप फ्रंट में मैक्सिमम 360mm का रेडिएटर लगा सकते हैं। और अगर मैं रेयर की बात करूं तो रेयर में आपको एक 120mm का रेडिएटर माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस कैबिनेट में दिए गए ड्राइव बेस के बारे में। तो इस कैबिनेट में आपको 2 3.5 इंच की हार्ड डिस्क माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और 4 2.5 इंच की SATA SSD माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ ही में इस कैबिनेट में आपको वर्टिकली GPU माउंट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट के फ्रंट IO की बात करूं तो फ्रंट में आपको पावर बटन, रीसेट बटन, LED कंट्रोल बटन, USB 3.0 का एक पोर्ट, USB 2.0 के दो पोर्ट और आपके हेडफोन एंड माइक के लिए आपको 2 3.5mm के जैक देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं इस कैबिनेट में दिए गए CPU एयर कूलर सपोर्ट की बात करूं तो इस कैबिनेट में आपको मैक्सिमम 155mm के CPU एयर कूलर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट के GPU सपोर्ट की बात करूं तो ये वाला कैबिनेट आपका मैक्सिमम 410mm का GPU सपोर्ट करता है। अब अगर मैं एंटी स्पोर्ट के IS511MT की प्राइस की बात करूं तो इस वाले कैबिनेट की प्राइस आपकी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। ये वाला कैबिनेट आपको 4000 से 4500 के बीच में देखने को मिल जाएगा। और अगर ये वाला कैबिनेट आपको 4000 का देखने को मिलता है तब तो ये वाला कैबिनेट आपका काफ़ी अच्छा कैबिनेट है। और अगर ये वाला कैबिनेट आपको 4500 के आसपास देखने को मिलता है तब ये वाला कैबिनेट आपका ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कैबिनेट नहीं है। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अब चलते हैं अपने लिस्ट के सेकंड नंबर के कैबिनेट की ओर। अब जो सेकंड नंबर पे कैबिनेट है वो है MSI का MagForge 100R। अब इस पूरी लिस्ट में आपको सबसे भयंकर बिल्ड क्वालिटी इसी वाले कैबिनेट में देखने को मिलती है। अब इस वाले कैबिनेट को मैंने फर्स्ट नंबर पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये वाला कैबिनेट आपको 5000 से थोड़ा सा ज़्यादा का देखने को मिलता है। अगर ये वाला कैबिनेट आपका 5000 का होता तो मैं इस वाले कैबिनेट को फर्स्ट नंबर पे रखता, लेकिन अभी के लिए तो ये वाला कैबिनेट आपका सेकंड नंबर पे है। अब ये वाला कैबिनेट भी आपका मिड टावर कैबिनेट है। और अगर हम इस कैबिनेट के फ्रंट डिज़ाइन की बात करें तो इसके फ्रंट में आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मैच डिज़ाइन देखने को मिल जाता है बड़े से MSI के लोगों के साथ। और इस वाले कैबिनेट में भी आपको टेम्पर्ड ग्लास पैनल देखने को मिल जाता है, PSU श्राउड देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट में दिए गए फैन सपोर्ट की बात करूं तो इस कैबिनेट के फ्रंट में आपको मैक्सिमम 120mm के 3 फैन या फिर 140mm के 2 फैंस माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसके टॉप की बात करूं तो टॉप में यहाँ पर आपको मैक्सिमम 140mm के 2 फैंस या फिर 120mm के 2 फैंस माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और रेयर में यहाँ पर आपको खाली 120mm का एक फैन माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ ही में इस कैबिनेट के साथ आपको 3 प्री इंस्टॉल 120mm के फैंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से 2 आपको 120mm के ARGB फैंस फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं और एक 120mm का सिंपल सा फैन आपको रेयर में देखने को मिल जाता है। और इस वाले कैबिनेट में आपको एक प्री इंस्टॉल ARGB कंट्रोलर हब भी देखने को मिल जाता है जिसमें आप अप टू 6 ARGB फैंस लगा सकते हैं। और अगर मैं इस कैबिनेट के रेडिएटर सपोर्ट की बात करूं तो इस कैबिनेट के फ्रंट में आपको मैक्सिमम 240mm का रेडिएटर माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट के टॉप साइड की बात करूं तो टॉप में यहाँ पर आपको मैक्सिमम 240mm का रेडिएटर माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और रेयर साइड में आपको खाली 120mm का एक रेडिएटर माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट में दिए गए ड्राइव बेस की बात करूं तो इस कैबिनेट में आपको 2 3.5 इंच की हार्ड डिस्क माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और 5 2.5 इंच की SATA SSD माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस कैबिनेट के फ्रंट IO की बात करूं तो इसमें आपको एक पावर बटन देखने को मिल जाता है, रीसेट बटन देखने को मिल जाता है और इस कैबिनेट में आपको 2 USB 3.2 के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और 2 इसमें आपको 3.5mm जैक देखने को मिल जाते हैं आपके हेडफोन और माइक के लिए। और अगर मैं इस कैबिनेट के CPU एयर कूलर सपोर्ट की बात करूं तो इस वाले कैबिनेट में आप मैक्सिमम 160mm का CPU एयर कूलर लगा सकते हैं। और अगर मैं इसके GPU सपोर्ट की बात करूं तो ये वाला कैबिनेट आपका मैक्सिमम 330mm का GPU सपोर्ट करता है। और अगर मैं इस वाले कैबिनेट की प्राइस की बात करूं तो ये वाला कैबिनेट आपको 5500 का देखने को मिल जाता है और इस प्राइस में भी ये वाला कैबिनेट आपको काफ़ी बढ़िया कैबिनेट देखने को मिल जाता है। इस वाले कैबिनेट की बिल्ड क्वालिटी और इसमें दिए गए फीचर्स आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड नंबर का कैबिनेट। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट नंबर के कैबिनेट के बारे में। तो जो फर्स्ट नंबर पे कैबिनेट है वो है दोबारा से एंटी स्पोर्ट का IS521MT। अब ये भी आपका मिड टावर कैबिनेट है जिसके फ्रंट साइड में आपको डायमंड कट मैच डिजाइन देखने को मिल जाता है एंटी स्पोर्ट के लोगों के साथ, जो लुक वाइज आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और इस वाले कैबिनेट में भी आपको एक टेम्पर्ड ग्लास साइड पैनल देखने को मिल जाता है, एक PSU श्राउड देखने को मिल जाता है
और अगर मैं इस कैबिनेट में दिए गए फैन सपोर्ट की बात करूं तो इस कैबिनेट के फ्रंट में आपको मैक्सिमम 140mm के तीन फैन या फिर 120mm के तीन फैन माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप में भी यहाँ पर आपको 120mm के दो फैन या फिर 140mm के दो फैन माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बॉटम की बात करूं तो बॉटम में यहाँ पर आपको 120mm के दो फैन माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं रियर की बात करूं तो रियर में यहाँ पर आपको 120mm का फैन माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और साथ ही में इस वाले कैबिनेट में आपको चार प्री इंस्टॉल 120mm के फैंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको तीन 120mm के ARGB फैंस आपको फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं और एक 120mm का सिंपल सा फैन आपको रियर में देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस वाले कैबिनेट में दिए गए रेडिएटर सपोर्ट की बात करूं तो इस वाले कैबिनेट के फ्रंट साइड में आपको अप टू 360mm का रेडिएटर माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके टॉप साइड की बात करें तो टॉप में यहाँ पर आपको 240mm का रेडिएटर माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और रियर में यहाँ पर आपको 120mm का रेडिएटर माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस वाले कैबिनेट में दिए गए ड्राइव बेस की बात करूं तो इस वाले कैबिनेट में आपको दो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और चार इसमें आपको 2.5 इंच की SATA SSD माउंट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इस वाले कैबिनेट के फ्रंट IO की बात करूं तो इसके फ्रंट में यहाँ पर आपको इसका पावर बटन देखने को मिल जाता है, रीसेट बटन देखने को मिल जाता है, LED कंट्रोलर बटन देखने को मिल जाता है और साथ ही में यहाँ पर आपको USB 3.0 का पोर्ट देखने को मिल जाता है, दो USB 3.0 के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और दो यहाँ पर आपको 3.5mm के जैक देखने को मिल जाते हैं आपके हेडफोन और माइक के लिए। और अगर मैं सारे कैबिनेट के CPU एयर कूलर सपोर्ट की बात करूं तो ये वाला कैबिनेट आपका मैक्सिमम 175mm का CPU एयर कूलर सपोर्ट करता है। और अगर मैं सारे कैबिनेट के GPU सपोर्ट की बात करूं तो ये वाला कैबिनेट आपका मैक्सिमम 380mm का GPU सपोर्ट करता है। और अगर मैं एंटी स्पोर्ट के IS521MT की प्राइस की बात करूं तो ये वाला कैबिनेट आपको आराम से 4,800 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाएगा और 4,500 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से ये वाला कैबिनेट आपको काफ़ी बढ़िया कैबिनेट देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इसके प्राइस के हिसाब से। इसीलिए मैं आपको 4,500 रुपीज़ में एंटी स्पोर्ट का IS511MT रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि खाली 300 रुपये ज़्यादा में आपको एंटी स्पोर्ट का IS521MT देखने को मिल जाता है, जो आपको एंटी स्पोर्ट के IS511MT से काफ़ी अच्छा कैबिनेट देखने को मिल जाता है। खाली इस वाले कैबिनेट में आपको वर्टिकल GPU माउंट करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है और सब तो बढ़िया है। तो ये हो गए हमारे टॉप 5 बेस्ट एयरफ्लो कैबिनेट अंडर 5,000 रुपीज़। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और जितने भी कैबिनेट मैंने इस वाली वीडियो में बताए हैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको अमेज़न से कुछ भी बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय।